ही प्रेस वालों का और यहाँ के जो निवासी है उनका, क्षेत्र के लोगों का और उन किसानों का भी, उन बच्चों का भी, जिन्होंने एक कैंटीन की एक शुरुआत की है। अभी छोटी है, बड़ी भी बढ़ेगी और इस तरह की जो पॉलिसी है और भी आएगी जो गरीब आदमी वो खाना खा सके। उसका नाम भी रखा किसान मजदूर कैंटीन, भाई कहीं काम करके और वो सस्ते में उसको खाना अवेलेबल हो जाए, तो ये ठीक शुरुआत है। इस तरह की शुरुआतें होनी चाहिए क्योंकि ये आंदोलन से शुरुआतें हुई है, धरने से, और खास करके जो गुरुद्वारों में जो चलता था सिस्टम, ये उसी का एक पैटर्न है। खर्चा भी ना हो, उसका खर्चा उससे लिख हो जाए। और भाई दिल्ली में आंदोलन चला 13 महीने और आंदोलन में कुछ बातचीत के आधार पर समझौते हुए थे, सरकार तो मिली नहीं। कोई आदमी गलत फहमी मत लेना कि सरकार मिली हमको, हमको सरकार मिली 22 जनवरी 2021 को, उसके बाद में सरकार नहीं मिली। जो भी समझौता है कागजों पर हुआ, कागज आते रहे जाते रहे, बस कागजों पर हुआ। किसने कागज भेजे कुछ नहीं पता चला, वे आदमी ने फोन नंबर बंद है, अब सरकार की तलाश कर रहे, सरकार कहाँ है पता चला कि उत्तर प्रदेश में गई, तो उनके पीछे पीछे लोग वहां पे भी जा रहे, तो वहां पे भी वह नहीं मिल रही। इस तरह की सरकारें नहीं चाहिए देश में। देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो चाहा, लेकिन तानाशाह शासक नहीं चाहिए। अगर 13 महीने आंदोलन के बाद में भी सरकार ना मिलती हो तो इस तरह की सरकारें चाहिए नहीं यहाँ पे। ये सब लोग आपस में समझ लो। मुख्यमंत्री तो बनना चाहिए, ठीक है, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, एक व्यवस्था है, लेकिन तानाशाह आनी चाहिए देश में। उसका मुकाम विश्वासघात क्या, जब कोई मिला ही नहीं विश्वासघात कह लो या भाई कुछ ही उसको कह लो, उसके लिए तो फिर अपनी फिर तैयारी कर रहे और उसका रिजल्ट मिलेगा। एसकेएम की क्या रणनीति रहेगी, इन जो अधूरी डिमांड्स हैं इनको पूरा रहेंगे भाई इसके, यहाँ पे यूपी में कई राज्यों में चुनाव है, उसके बाद में अपनी सलाम मशवरा कर रहे, पूरे देश में जाएंगे हम, क्योंकि बात बतानी पड़ेगी देश को, देश की जनता को, देश का जो युवा है जो बेरोजगार हो गया, इसको बात बतानी पड़ेगी। ये जो 5 चुनाव चले इसमें एसकेएम की क्या भूमिका रहेगी? एसकेएम ने तो कहा भाई 13 महीने आंदोलन चला के वोट कहाँ देनी, सब समझदार है, वोट खराब ना करियो। हाँ तो तानाशाह तो है भाई, तानाशाह तो कह रहे, विपक्ष में भी कई पार्टियां हैं, किसकी तरफ? अरे हम विपक्ष में तो भाई जिसका जहाँ वो लगे वो अपने आप कर ले बात, किसको कहाँ देनी, हमको विपक्ष का भूमिका नहीं मारे क्या? नहीं, एसकेएम के कुछ साथियों ने, कुछ नेताओं ने पंजाब में भी पार्टी बनाई है और हरियाणा से कहाँ पे, वे तो छुट्टी पे गए 4 महीने की। हम तो कह रहे हैं कि वे जो भी लोग है छुट्टी पे गए एसकेएम के मेंबर नहीं है, छुट्टी काट काएंगे, देख लेंगे। नाम सिंह ने कहा कि बादल चौटाला और साजिश के तहत फैला रहे हैं, किस चीज की अफवाह फैला रहे हम? हमने तो ये कहा कि वे लोग छुट्टी पे गए 4 महीने की और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो एसकेएम के अंदर नहीं है, उसके मेंबर नहीं है। छुट्टी मांग के गए, छुट्टी कर दी आपने? ना करे नहीं, वे तो अपने आप ही चले गए। नहीं, हम नहीं कर रहे, हम पॉलिटिकल आदमी की किसी की भी वो नहीं मदद कर रहे, पॉलिटिकल आदमी सब बराबर है। हम अपने संगठन पे ध्यान देंगे, एसकेएम संगठन पर ध्यान देगा, पूरे देश में जाएगा, किसान मजदूर नौजवान बेरोजगार आदिवासी दुकानदार इनकी सबकी लड़ाई लड़ेगा। कुछ किसान नेता कह रहे थे कि 5 लोग लखीमपुर खीरी कांड में किसान अभी तक अंदर हैं और राकेश हरियाणा में क्या कर रहे हैं, उनकी जमानत हो चुकी है सब नेताओं? हाँ, ये देखना भाई सबको के कत्ल करके और बेल हो जाती हो। हमने तो कहा कि देश पे पूरे संस्थाओं पे कब्जा हो गया, कब्जा हो चुका है पूरे संस्थाओं। हमारे जब वकील बहस कर रहे थे तो उनका नेट प्रॉब्लम थी, तो वहां सुनाई नहीं दिया कोर्ट में, दूसरे वालों का सुनाई दिया, तो हम अपील करेंगे बड़ी, उसमें जाएंगे हमारे लोग। गुरनाम चौधरी ने कहा कि राजनीति में आने के लिए के बिना हमारी व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। जो किसान नेता राजनीति में न आने की बात कर रहे हैं वो बताएं कि क्यों जमानत मिली है जो लखीमपुर की? वो तो भाई कोर्ट पर तो कौन सवाल कर देगा भाई,
कोर्ट की उस तरह की व्यवस्था होगी, क्योंकि हम देखो हम तो सबका सम्मान करें भाई, ड्यूटी पर रहते हुए का भी सम्मान करें, रिटायरमेंट के बाद में पार्लियामेंट का भी सम्मान करें, राज्यसभा का भी, हम तो सबका करें। हम रणनीति क्या रहेगी, रणनीति जाएंगे हम पूरे देश में जाएंगे, लखीमपुर खीरी घटना के सबको बताएंगे कि अगर इस तरह की सरकारें चाहिए तो देश में यही होगा, नहीं तो मुकाबले के लिए खड़े हो जाओ। बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं ना, हम कहाँ कर रहे हैं विरोध, मैंने तो कर रहे हैं, उनका साथ नहीं देंगे। नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे, हमने किसी के पक्ष में नहीं कहा, हमने सरकार के उसमें बताया कि सरकार तानाशाह है, सरकार उद्योगपतियों की है, इसके उसमें कहा जनता को जहाँ वोट देनी वो दे सकता है, जनता को वो आप कह रहे हैं कि जनता को वोट, अरे किस किस के देंगे, हर जगह 20-20 लड़ रहे, अपने आप तय कर लेंगे, कोई भाषा के आधार पे है, कोई क्षेत्र के आधार पे है, कोई पार्टी के आधार पे है, तो हम किस किस को बताते फिरेंगे, जो क्षेत्र में है वो अपने आप तय कर लेंगे। भाजपा को तय कर लिया था जनता ने, अरे भाजपा को तय कर लिया भाई, 2.5 महीने में जमानत भी ले लो तो फिर ठीक है। अच्छा, चुनावों को देखते हो बाबा राम रहीम को जमानत देना कहां तक न्याय संगत है, ये जनता समझेगी, सब जनता के ऊपर है सब चीज भाई, बेरोजगारी जनता के ऊपर है, किसको क्या करना है चुनाव में, राम रहीम का फायदा उठाने के लिए हाँ कर ले काम तो भाई, जिसको जहाँ देखो ये देश में क्या है कि वोट कैसे मिलेगी उसकी प्लानिंग चल रही देश में, हर आदमी है कि वोट मुझे कैसे मिलेगा, नहीं हम क्यों बोल रहे हैं किसी के भाई, उनके भी पक्ष के लोग हैं कुछ, उनके विरोध के लोग हैं। पश्चिमी बंगाल में चुनाव था, आप पश्चिमी बंगाल गए, यूपी में चुनाव चल रहा है, आप हरियाणा में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश क्यों, यहाँ पे भी तो है वोटर, एक पहले उसमें तो निपटा दिया उनका केस, सरकार का पहले उसमें निपट गया केस, आगे फिर कल से फिर जाने जाने, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट किसी को नहीं कर रहे हम, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ना, हमने सपोर्ट नहीं करा, एक बयान दिखाओ का, पंजाब नहीं जा रहे, पंजाब में लोग हैं अपने, हाँ इशारा करे हम भाई, हमने इरा वोट दिया है, हमने दिया 13 महीने आंदोलन करने के बाद में वोट दिया, अगर किसी को ज्ञान नहीं हुआ कि 13 महीने आंदोलन करने के बाद में सरकार नहीं मिली तो वोट अपने आप पता चल जाए कहाँ जाता है, नोटा दबाने तो सरकार को फायदा होता है, नोटा नहीं दबाना चाहिए, आपसे वही सवाल है कि आप कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, तो विकल्प क्या दे रहा है एसकेएम की, क्या सोच, देखो आंदोलन मजबूत रहेगा, सरकार किसी की भी आओ, आंदोलन देश में मजबूत रहना चाहिए तो व्यवस्था अपने आप बना लगाओ। आज सुबह कह रहे थे आपके पूरे देश का भ्रमण किया जाएगा, कुछ विकल्प युवाओं को देंगे तभी तो उनका आंदोलन का विकल्प है, राजनीति विकल्प नहीं है युवाओं का, आंदोलन अगर देश में आंदोलन होगा तो एक ही दिन में दोनों बड़े संसदों में कानून वापसी हुई है। क्या डेडलाइन है आंदोलन की, कब तक शुरू कर देंगे, ये तो शुरू ही तो हो रहा है, यहाँ पे भी आ रहे तो शुरू ही तो हो रहा है आपके माध्यम से, चुनाव चल रहा है, ये वैचारिक क्रांति है, वैचारिक क्रांति ही दुनिया में परिवर्तन लाती है, ये वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति देश में युवाओं में आवेगी, जो युवा पहले उंगा जा रहा था अब वो युवा हट के दूसरी तरफ जा रहा, वो चर्चा करने लगा। आपने कहा कि यूपी में बीजेपी का वोट प्रतिशत घटेगा, कौन ले जाएगा, अरे उनकी तो लेगी वोट, उनकी कोको देखा उसका फोटो, हाँ फोटो देखा उसका, लेगी कोको लेगी उनकी वोट गई कोको, 10 तारीख का पता चल जा कि बहुत हिसाब से लेगी कोको, है बीजेपी वालों की मौसी लेगी, बड़े बड़े बता रहे थे अभी तो, हर समस्या का समाधान आंदोलन रहेगा, आंदोलन तो इससे क्या आप लगता है कि जो आंदोलन भाग लेंगे वो कई किसान शहीद भी हैं, क्या शहीद ही आंदोलन में तो भाई होता है, आंदोलन का नाम ही यही है, तो विकल्प क्यों नहीं ढूंढ लिया जाता सरकार के खिलाफ, नहीं ढूंढ सकते, गलत फहमी में कोई ना रहेंगे, विकल्प ढूंढेगा हम चुनाव लड़ेंगे उससे विकल्प निकलना, विकल्प निकलेगा आंदोलन से, अगर सारे लोग आजादी वाले भी चुनाव में उसमें आ जाते घट बैठ जाते तो हल थोड़ा निकल जाता, तो आंदोलन से ही हल निकलेगा, उसी से समाधान तो पंचायतें की जा रही है, उसमें लोगों को क्या कुछ समझाया जा रहा है, सिर्फ आंदोलन के लिए जागृत किया जा रहा है, आंदोलन के लिए जागरूक होगा, सारे कहां लड़ रहे हैं सारे चुनाव, कौन चुनाव लड़ लगा तो लड़ रहे, बहुत पार्टियां हैं चुनाव लड़ रही, और जोन से गए भाई उनका देख रहना में कौन सा प्रसाद खा खा होगी, अब आ जाएंगे मुख्यमंत्री कौन कह रहा, उत्तर कौन कह रहा,
टोल बंद है, आज भी किसानी झंडा लगा कर जाएगा। पिछले 12 साल से वे 5 और 5 10 11 साल से पूरा किसानी झंडे का जाता है, तो टोल फ्री है उसका। आप जाओ यहाँ से लखनऊ तक, अगर झंडा आपके पास में तो 2500 रुपए का टोल है आने जाने का राजधानी में। तुम तो झंडा उस पे है तो उसका टोल फ्री है। जिसके घर पे झंडा लगा उनको अभी तक सम्मान आ रहे हैं सर? है जी, जिसके पास किसानी झंडा उसको अभी तक सम्मान आ रहे हैं। अरे यही तो करंट पैदा करेगा, जिसके सम्मान आ रहा है। बिना सम्मान आओ करंट पैदा होता है क्या भाई? बिना तेजाब गिरे बैटरी चार्ज पकड़ती है। टिकैत साहब, आंदोलन को स्थगित करवाना कहीं ना कहीं 5 राज्यों के चुनाव के लिए लॉलीपॉप सरकार की तरफ से, वो हालात स्थिति समय क्या था वो उसकी डिमांड थी। अब क्या मुख्य मांग क्या रहेगी? देखो मुख्य मांग है एमएसपी गारंटी कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, ये एक बड़े सवाल है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर डीजल के जो पंप और ये सब बंद कर दिए, ये चालू हो। ये तो आंदोलन ना होता तो हम लोग को तोड़फोड़ शुरू करते। अरे भाई 13 महीने आंदोलन करने के बाद में सरकार नहीं मिली तो ये मानो कि सरकार तानाशाह है। सरकार तो मिलती है लेकिन तानाशाह सरकार नहीं मिलती, तो इस तरह की सरकार चाहिए क्या? आंदोलन के बाद किसान एसकेएम में कुछ ऐसी बातें सामने आई कि यूपी हरियाणा पंजाब अलग अलग गुट सामने आ रहे हैं। कहाँ पे आपको क्या, कहाँ पे? यहाँ तो कोई कुछ अलग हो गया, कोई अलग नहीं हुआ, कोई अलग नहीं हुआ। आज भी तो ढूंढिए कार्यकर्ता नहीं है सर। 43 पदाधिकारियों ने करनाल में इस्तीफा दे देंगे। अब बताओ वे नहीं है तो बताओ क्या करे? हमने कहा है कि जो जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो गया, संगठन नहीं गए। गुरनाम सिंह चडूनी संगठन नहीं गए, जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो गया है। गुरनाम सिंह चडूनी के जो कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं वो ये कह रहे कि यशपाल मलिक की राह पर राकेश टिकैत हैं। भाई पता नहीं यशपाल मलिक ने क्या करे, हमें तो जानकारी है। अरे नाम सुरात पर हमने तो लोगों का चंदा बचवा, अपना धन गांव का धन गांव में रखो, किसी को मत देना। अब कौन से राह पे हम चले, कौन से पाव है? और दूसरा एक और भाई, बुड्ढों की पेंशन काट दी यहाँ की सरकार ने, ये बुड्ढा आंदोलन भी होगा और याद रख लेना। यहाँ की सरकार मैंने ये कर दिया कि ये बुड्ढे घर वालों के सामने हाथ फरावे। अब भाई मंगते तो बना दो, एक जगह के बना दो, अब दो जगह तो बनाओगे, सरकार के भी घर वालों के भी। आर्थिक स्थिति को देखा जा रहा है बूढ़े की। अरे बुड्ढा आर्थिक स्थिति, अच्छा लड़के से मांगे क्या पैसे? बुड्ढा तो बुड्ढा है भाई, 2 लाख की इनकम के लिए एक सर्वे हुआ है साहब, बेरोजगारी में नंबर बताया है। बेरोजगारी में नंबर वन तो पूरा दुनिया में, पूरा हिंदुस्तान ना होगा। देश को गरीब बना जा रहा है, देश को मजदूर कॉलोनी बना जा रहा है, ये एक बड़ा षड्यंत्र देश के साथ में चल रहा है। यहाँ के किसी क्षेत्र का आपको अगर सर्वे कर रहा है तो वहाँ के लाला जी की दुकान देख लो, उसका अगर काउंटर ठीक है तो वहाँ का क्षेत्र ठीक है, उसकी आमदनी ठीक है। अगर लाला जी का काउंटर खराब है और धूल जम रही है तो ये मान लो कि क्षेत्र भी कमजोर है। आने वाले टाइम पे बाजार भी कमजोर होगा और क्षेत्र भी कमजोर होगा और देश में बिहार जैसे हालात पैदा होंगे। सिर्फ देश में मजदूर पैदा होगा, बिहार में किसानों ने अपनी जमीनों को छोड़ दिया, वे मजदूरी पर जा लिए, सस्ता मजदूरी जहाँ पे भी उनको मिल जाती है वे वहाँ पर जा रहे, और यही पूरे देश का किसानों का हाल होना है। आंदोलन करने पे आंगनवाड़ी वर्कर ने टर्मिनेट कर दिए सारी, ये सब होंगे भाई। आंदोलन अगर होगा एक झटका देश को लेना पड़ेगा, एक झटके में कुर्बानियां जाएंगी, एक झटका होगा और उसके लिए देश का नौजवान तैयार है। अगला आंदोलन यूथ लड़ेगा, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। अगला आंदोलन युवाओं का होगा। 2.5 साल हो गए जेटी की बत्ती नहीं आई, क्षेत्रीय कॉम को हरियाणा पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश से कदम उठे, कुछ नहीं कह रहे यार। एसकेएम आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत बड़े बड़े रुको भाई, आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत का नाम बड़े किसान ना, हम तो नहीं आए भाई बड़े किसान। आपने यूपी और हरियाणा में दौरे शुरू किए और पंजाब में चलो चुनाव चल रहे हैं, आने वाले टाइम में आपका क्या रणनीति रहेगी? हम तो पूरे देश में जाएंगे, पूरे देश में सरकार की बात बताएंगे, और अगर सरकार की बात ना बताई गई तो देश जागा। पूरे देश की संस्थाओं पे सरकार का अवैधानिक रूप से कब्जा हो गया। अगर चुनाव हो तो चुनाव में कोई दिक्कत नहीं, चुनाव होना चाहिए, कौन हारे कौन जीतता हो, लेकिन तानाशाही से चुनाव हो। अगर उत्तर प्रदेश में देखना था जिला पंचायत के चुनाव में, वहां पे आप जाकर देख सकते हो
जिसके कैंडिडेट दो जीते जिला पंचायत में, जिला पंचायत अध्यक्ष उसका बना। चार चार करोड़ रुपए के लोगों के एक एक मेंबर का नुकसान करने के बावजूद भी वोट सरकार को देनी पड़ी। ये हालात पूरे देश में होंगे, हम भुक्त भोगी हैं। पश्चिम यूपी का चुनाव हो चुका, वहां पर निमटा दिया केस। आपको क्या लगता है, क्या निमटा दिया केस उनका, सरकार का केस निमट गया? ठीक है जी, और आगे भी होगा अगर शांतिपूर्ण तरीके से ठीक चुनाव होगा तो इनका केस निमटेगा। गुंडागर्दी सा होगा तो उसका कोई हल नहीं है। राजनीति में जा सकते हैं ना? राजनीति में नहीं जाते भाई, राजनीति में आपके एक पार्टी बनवाएंगे हम, भी सहयोग करेंगे उसमें। आपके बनवाओगे एक पत्रकारों की पार्टी और उसमें से चुनाव लड़वाओगे। यूं बहम सबको निकालना चाह, कुछ मारे वालों का भी निकलना, कुछ और का भी निकलना चाह। आंदोलन की डेट तो टाइम होगा, देखें।